नाम है बेसुकूनी का, और क्या है तवज्जो दें। उसके बाद बहुत अच्छी जगह आपको लेके जाने वाला हूँ आज। मैं अभी रेडी जस्ट होने ही जा रहा हूँ, तो पहले आप तवज्जो दें। तो मोहब्बत नाम है बेसुकूनी का, किसी ने पाया हो सुकून तो मिसाल दो। दोस्तों कैसे हैं आप लोग? तो दोस्तों जैसा कि हमने बहुत दिन से अनलिमिटेड बुफे का वीडियो बनाया नहीं था, तो जैसा कि हमारे एक सब्सक्राइबर ने बताया कि सर वहाँ का एक वीडियो बनाइए यहाँ, जैसा कि हम आए हैं शिकली रेस्टोरेंट में कि यहाँ पे अनलिमिटेड ऑफ़र चालू है। तो यहाँ पे कुछ टाइम पहले भी अनलिमिटेड ऑफ़र चालू था, बट इन्होंने बीच में बंद कर दिया था। लेकिन दोस्तों अभी इन्होंने फिर अनलिमिटेड बुफे चालू कर दिया है, जैसे कि 595 में आपको मिल जाएगा अनलिमिटेड नॉनवेज बुफे। जैसा कि अभी हम अंदर जाने वाले और आपको दिखाएंगे यहाँ पे 595 में आपको क्या क्या मिल जाएगा और यहाँ का खाना कैसा है, वो भी सब आपको बताएंगे कि आपको यहाँ पे आना चाहिए क्या नहीं आना चाहिए। एक्चुअली कैसा है कि हमने यहाँ पे फ़र्स्ट टाइम इधर सेवड़ी में मैं फ़र्स्ट टाइम आया हूँ। जैसा कि मेरे पीछे आप देख सकते हैं सेवड़ी रेलवे स्टेशन है, इसके जस्ट अपोजिट में ये रेस्टोरेंट है। यहाँ के खाने की तारीफ मैंने काफ़ी सुना है और यहाँ पे जितना भी आई मीन चिकन एंड ऑल जो भी मिलने वाला आपको सब हलाल मिलेगा। और यहाँ का टेस्ट सुना तो बहुत अच्छा है, कैसा है वो सब अभी खा कर बताएंगे। चलते हैं रेस्टोरेंट के अंदर। तो दोस्तों बात करें अगर एम्बियंस की, जैसा कि हम अंदर आ चुके हैं, काफ़ी खूबसूरत एम्बियंस है यहाँ का। आपको जहाँ बैठना है आप बैठ सकते हैं, आउटडोर इंडोर दोनों फैसिलिटी यहाँ पे दी गई है। फैमिली के लिए इंडोर आपको अलग सेपरेट बैठना है तो वहाँ पे भी जाके बैठ सकते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको यहाँ का मेन्यू दिखा देता हूँ, सिकड़ी जैसा खाना और कहाँ। तो ऑफ़र जो है एवरी डे है, एवरी मंडे। और दोस्तों आपको यहाँ पे 599 में, 595 में आपको पर पर्सन जो है अनलिमिटेड बुफे यहाँ पर है, आपको ये सब मिलने वाला है। यहाँ पे डेजर्ट सिर्फ लिमिटेड है, बाकी जितनी भी चीज़ें हैं यहाँ पे आपको अनलिमिटेड मिल जाएगी। और यहाँ का टेस्ट और क्या क्या मिलेगा वो सब मैं अभी आपको दिखा देता हूँ। कॉन्टेक्ट नंबर है, एड्रेस है पूरा, आप देख सकते हैं। तो दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पे फर्स्ट आपको आते ही आ जाता है यहाँ पे कोरिएंडर सूप। इससे पहले हमने जो कोरिएंडर सूप आई मीन दिल्ली जायका में खाया था, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी था वहाँ का। और यहाँ का भी जो कोरिएंडर सूप मैंने खाया तो उसके बाद मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा है, खाने में मज़ा आ गया। चिकन उसके अंदर डाला गया है, एग्स है और वेजिटेबल्स जैसा डाल के पूरा बनाया गया और कोरिएंडर इसमें डाला गया ज़्यादा, तो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगा। इसके साथ सेजवान है, ये ग्रीन चटनी भी ये लोग देते, लेकिन आपको अगर टेस्ट का मज़ा लेना है तो सिर्फ आप विदाउट चटनी ही खाना है तो आपको मज़ा आएगा। तो दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हैं आफ्टर सूप यहाँ पे मिल जाता है आपको मलाई टिक्का। मलाई टिक्का के ऊपर दोस्तों चीज़ इतना सारा डाला गया है और उसके ऊपर से डाला गया है हरा धनिया, जो देखने में बहुत ही ज़्यादा लजीज लग रहा है और खाने के बाद मैं बताऊँगा आपको कैसा है। उसके बाद आ गया था हमारे पास ये बंजारा चिकन बंजारा टिक्का। तो दोस्तों ये भी खाने में देखने में तो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है, इसका टेस्ट कैसा है वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ। खुशबू इतनी ज़बरदस्त आ रही है ना दोस्तों, मुंह में पानी लप लप आ रहा है। सबसे पहले मैं आपको खा के बताऊँगा ये यहाँ का मलाई टिक्का, जिसके ऊपर चीज़ बहुत सारी डाली गई है और हरा धनिया डाला गया है, ये मैंने ग्रीन चटनी लगाया, और अभी खा के मैं बताता हूँ आपको। दोस्तों टेस्ट की अगर बात करें, अगर आप यहाँ पे आ रहे अगर आपने ये मलाई टिक्का नहीं खाया वो भी दबा के, तो आपने कुछ नहीं खाया। तो दोस्तों ये बंजारा टिक्का के बाद आ जाता है हमारे पास ये बुलेट चिकन, जो कि जितने भी स्टार्टर में अभी आ रहे हैं दोस्तों ये पूरे अनलिमिटेड है। आपको जितना खाना है आप उतना उनको बार बार रिपीट मंगा सकते हैं, आपको 10 बार रिपीट मंगाना है तो भी मंगा सकते हैं, ये आपको ला कर देंगे। तो दोस्तों आप देख सकते हैं ये भी बहुत ही ज़्यादा माशाल्लाह दिख रहा है, तो अभी मैं खा के ये भी बताने वाला आपको। इसका जो देखने में जो आई मीन इसकी देखने में ऐसा लग रहा है, आई मीन जैसा अपन चिकन क्रिस्पी खाते हैं देखने में सेम वैसा ही लग रहा है, इसको बोल लेते हैं यहाँ पे ये बुलेट चिकन। और दोस्तों ये आ गई है कोल्ड ड्रिंक, कोल्ड ड्रिंक भी यहाँ पे अनलिमिटेड है, आपको जितनी बार मंगानी है, थम्सअप मंगाना है, बिकोला मंगाना है, जो सी कोल्ड ड्रिंक्स आपको चाहिए वो आपको मिल जाएगी। ये है बंजारा टिक्का। बंजारा टिक्का का जो टेस्ट था दोस्तों वो भी एकदम नेक्स्ट लेवल था, बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त, आई मीन जैसा होना चाहिए
रियल मायने में जो सिगड़ी का जो टेस्ट है वैसा होना चाहिए जो जैसा कि यहाँ पर है। खाने के बाद बहुत ही मज़ा आया, आई मीन मैंने पूरा पेट आप यकीन मानेंगे स्टार्टर में ही भर लिया था। बताया आपको मलाई टिक्का भी जबरदस्त था और ये बंजारा वाला भी बहुत जबरदस्त था, तुमको अच्छा लगा? हाँ। और ये हाँ बुलेट चिकन भी मुझे बहुत अच्छा लगा, मैं बुलेट चिकन रिपीट करूंगा। सेम लाइका चिकन क्रिस्पी, हाँ चिकन क्रिस्पी। लेकिन मैंने खा लिया अभी फिश कबाब जो ये खा के बताता हूँ, जो कि देखने में काफ़ी क्रंची दिख रहा है ये फिश। बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट है लेकिन ऊपर से एकदम क्रंची है, टेस्ट एक नंबर। जो कि मैंने अभी मैंने भी रिपीट मंगाया है तो मैं आपको रिपीट बताती हूँ। यहाँ पे कैसे जितने भी स्टार्टर है आप अनलिमिटेड जितनी टाइम आपको चाहिए वो रिपीट मंगा सकते हैं। कोल्ड ड्रिंक भी आपको अनलिमिटेड मिलेगा यहाँ पे, लिमिटेड है ना। और अभी क्या क्या आने वाला वो मैं आपको देखिए अनलिमिटेड। तो मैंने मलाई टिक्का रिपीट मंगाया तो किसका जो टेस्ट है या हो और ये यहाँ पे जितना भी आई मीन सब है ये सब अनलिमिटेड है, डेजर्ट लिमिटेड है, बाकी जितना भी आइटम्स है यहाँ पे अनलिमिटेड है। इसका टाइमिंग क्या है? कब से? 12 से 6 है, सुबह 12 से लेकर शाम के 6 बजे तक। संडे फुल डे रहेगा? लंच में रहेगा, डिनर में नहीं रहेगा। तो दोस्तों यहाँ पर अगर आप आ रहे हो तो 12 से 6 तक अनलिमिटेड रहता है, बाकी अला कार्ट चालू हो जाए। तो दोस्तों जैसा कि मैंने बताया था आपको, अगर आप यहाँ पे आ रहे हैं, अगर आपने मलाई टिक्का रिपीट नहीं मंगाया तो भाई कुछ नहीं खाया आपने। इसके ऊपर मलाई डाली गई है, ऊपर से चीज़ एकदम ज़बरदस्त तरीके से भर के डाला गया है और कोरियंडर ये अपना हरा धनिया डाला गया है और बहुत ही अलग ही मसालों में इसको बनाया गया है जिसका टेस्ट है बहुत ही हाई लेवल का है। आप यहाँ पे आ रहे तो स्टार्टर पे भाई ढाबा बोल दीजिए, आपका पैसा वसूल हो जाएगा जो आप 595 पे करने वाले हो। तो अभी ये मलाई टिक्का मैंने रिपीट मंगाया था जो कि बहुत ही मेरे को अच्छा लगा और अभी तक मैंने जितने भी स्टार्टर खाए हैं उस काफ़ी एकदम बहुत ही ज़बरदस्त है। फ़िश भी बहुत ही ज़बरदस्त लगा था उस दोस्तों, फ़िश के साथ आपको प्राइस भी मिलता है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं ये है तंदूर ऑन फायर, ये भी अनलिमिटेड है। तो दोस्तों ये है तंदूर ऑन फायर, देखने में तो बहुत ही ज़्यादा लजीज दिख रहा है, खा के बताएंगे कैसा है। ये भी अनलिमिटेड, आपको जितना मंगाना है जितनी बार मंगाना आप मंगा सकते हैं। और अभी हम इसको खा के भी बताते, बहुत गर्म हो रहा है, थोड़ा वेट करना पड़ेगा, काफ़ी गर्म। तंदूर ऑन फायर बहुत बहुत ज़्यादा, तो दोस्तों जैसा कि अभी तंदूर ऑन फायर थोड़ा सा ठंडा हुआ है, अभी हम इसको फायर कर दें। फायर सच में फायर है, बहुत फायर। इस पे एकदम टिक्का मसाला लगाया गया है, बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट भी है। तो दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हैं आयशा ने बुलेट चिकन मंगाई है रिपीट, क्योंकि आयशा को बुलेट चिकन पसंद आया क्योंकि ये सेम लाइक का क्रिस्पी चिकन क्रिस्पी। और मैं तंदूरी खाने वाली हूँ रोटी से, और ये आयशा तंदूरी ऑन फायर खाएगी रोटी से। हरा चिकन अंगारा ग्रेवी है और ऊपर से धनिया मलाई फ्रेश क्रीम सब डाला गया है, इसका जो टेस्ट है हम खा के आपको बताएंगे अभी।
और इसके बाद क्या मिक्स रोटी मिल जाती है, मुसल्लम राइस भी आपको मिलने वाला है। मुसल्लम राइस कैसा है वो मैं आपको अभी दिखाऊंगा। फिलहाल हम थोड़ी ग्रेवी ले लेते हैं, ज़्यादा नहीं खा पाएंगे बिकॉज स्टार्टर में पेट भर जाता है। ज़्यादा भूख लग गई है तुम्हें? ये गरम है? गरम है। तो दोस्तों मैंने ले लिया है अंगारा चिकन ग्रेवी और ये आ गई हमारी बटर रोटी। इसमें आपको सादा नान भी मिल जाता है अगर आपको चाहिए तो। रोटी भी एकदम ज़बरदस्त है। हाँ, और ये अंगारा ग्रेवी मैं खा के बताता हूँ कैसा है। ज़बरदस्त। तो दोस्तों बात करें अगर टेस्ट की तो दोस्तों स्टार्टर सारे एक नंबर दें, ज़बरदस्त है। और ये जो ग्रेवी ये भी बहुत ही ज़्यादा अच्छी। तो दोस्तों जैसे मैंने बताया आपको जो अंगारा चिकन आया है ये भी बहुत ही अच्छा लगा हमें, टेस्ट ज़बरदस्त है एकदम। और ये आपको यहाँ पे मिक्स रोटी मिल जाएगी और मैंने मुसल्लम राइस जो मैं आपको अभी दिखाने वाला हूँ। बस ले जाओ, बस ये भी ले जाओ। चिकन ग्रेवी, हाँ ग्रेवी तो रखी है ना। तो दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हैं ये है समोसा, आप देख सकते हैं ये आ गया है मुसल्लम राइस। इसके ऊपर काजू डाले गए हैं और ये फ्राई करके कांदा भी डाला गया है, आप देख सकते हैं। ब्रिस्ता कहते हैं उसे, ब्रिस्ता फ्राइड अनियन। ये आपको ग्रेवी से खा सकते हैं, ऐसे भी खाएंगे तो भी मज़ा आएगा। काजू भाई बहुत सारे डालेगा। तो दोस्तों देख सकते हैं आप एंड में हमें मिल जाता है गुआवा आइसक्रीम, लेकिन आइसक्रीम जो है वो लिमिटेड है, वन टाइम आपको मिलता है। उसके ऊपर हम मसाला डाल के खाने वाले हैं, मसाला डाल के गुआवा खाने का मज़ा अलग ही होता है। तुम्हारे पे डालो गुआवा आइसक्रीम है, पहले फीका टेस्ट करूंगी उसके बाद। एक नंबर गवावा जैसा टेस्ट है सेम। तुमने तो दोस्तों अगर ये वीडियो आप यहाँ तक देख रहे हैं तो मैं आपसे चाहूँगा एक लाइक का बटन ज़रूर दबा दें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।